नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखा दी है। इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों की गणना करवाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि मुसलमानों की गणना से रोहिंग्या या अन्य घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी। ऐसे लोगों को सीमांचल और बिहार से बाहर निकालने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही गिरिराज ने कहा कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुसलमानों के भीतर जातियों और उपजातियों को गिना जाना चाहिए। गिरिराज ने कहा कि आरोप लगाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से सीमांचल में बस गए हैं। सरकार को मुसलमानों की भी जातीय जनगणना के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों शब्द की समीक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने का हवाला देते हुए कहा कि इस शब्द से अपना महत्व खो दिया है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि मुसलमान लंबे समय तक अल्पसंख्यक नहीं रहेगा। वहीं ज्ञान व्यापी मुद्दे को लेकर भी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे और उन्होंने कहा कि ये मामला 1991 के कानून के दायरे में नहीं आता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि देश में अल्पसंख्यक पर पुनर्विचार होनी चाहिए, कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा को पुनर्विचारित करने की जरूरत है। जब मदनी खुद कह रहे हैं कि मैं तो अब अल्पसंख्यक नहीं हूँ, तो अल्पसंख्यक शब्द को हटा देनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पहले दो बार सर्वसम्मति से जातीय जनगणना करवाने का प्रस्ताव पास हो चुका है, मगर इसके बावजूद भी जब तक राज्य में जारी जनगणना नहीं कराई जा सकी है। पिछले साल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नए सिरे से इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद नीतीश कुमार भी तेजस्वी के साथ खड़े नजर आए थे। लेकिन अब देखना होगा कि जातीय जनगणना होगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।